आपके साथ बातें करते हैं। और बड़ी जीत और इस जीत की बात हम सुन चुके हैं आपसे, आप देख रहे हैं यदि उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म और वर्ल्ड कप पर लगातार आपसे बात कर रहे हैं, वो आपसे बताएंगे कि जीत के मायने क्या है। देखिए पशुपति जी, जीत कोई भी होती है उसका हमेशा वेलकम होता है, और भारत के लिए ये जीत है तो ऑब्वियस सी बात है कि बीइंग एन इंडियन, मैं भी, आप भी और पूरे जो इंडिया के क्रिकेट फैंस हैं वो इस जीत का वेलकम कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये एक क्रिकेट का महाकुंभ इस वक्त चल रहा है, तो इसमें एक एक जीत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक एक जीत बहुत मायने रखती है। लास्ट मैच हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीता था, लेकिन उस मैच में हमने देखा था कि थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन उसके बावजूद जो है एक फाइट जरूर हुई, लेकिन फाइनली हम जीते। लेकिन ये जो जीत है ये कॉन्फिडेंस देने वाली जीत है। और जहां तक मैं अगर इस जीत को अगर थोड़ा एनालाइज करूं, तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच में हमने देखा था कि हमारे 2 रन पर 3 विकेट चले गए थे, हमारे तीनों जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे वो विदाउट एनी स्कोर पवेलियन वापस लौट गए थे। लेकिन आज मुझे उन्हीं तीनों बल्लेबाजों को पिच पर स्कोर करता हुआ देखना सुखद लगा, और हिटमैन रोहित शर्मा की एक तरह से वापसी हुई है, शानदार उन्होंने पारी यहाँ पर खेली है रोहित शर्मा ने। जो पिछले मैच में देखे, रोहित शर्मा 0 पर आउट होकर चले गए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले मैच में, तो थोड़ा सा निराशा हुई थी क्योंकि कैप्टन है टीम के और एक उम्मीद है वर्ल्ड कप में भारत के लिए, वो और विराट कोहली। तो विराट कोहली तो परफॉर्म उन्होंने किया था लास्ट मैच में, लेकिन रोहित शर्मा शून्य पर चले गए थे, मुझे पर्सनली बहुत निराशा हुई थी। लेकिन आज उनको जिस अंदाज में मैंने खुलकर बैटिंग करते हुए देखा है, आप यकीन मानिए दिल खुश हो गया, कहते हैं ना मन प्रसन्न हो जाना, बिल्कुल एग्जैक्टली मन इस वक्त प्रसन्न हो गया। बहुत शानदार बल्लेबाजी की गई यहाँ पर रोहित शर्मा की तरफ से, सेंचुरी बनाई गई, रिकॉर्ड्स भी आज रोहित शर्मा ने बनाए हैं, उन रिकॉर्ड्स पर मैं आगे जाऊंगा। लेकिन दूसरे जो शख्स थे वो ईशान किशन रहे, ईशान किशन भी लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन आज उन्होंने भी एक अच्छा फाइन नॉक खेला, 47 बॉल पर 47 रन बनाए, तो 42 रन निकले उनके, लगा क्योंकि शुभमन गिल तौर पर दे रहे हैं। शुभमन गिल बीमार है, हालांकि अच्छी खबर यह है कि वो और अभी इस वक्त वो होटल में आराम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम उनको शुभमन गिल का जो रिप्लेसमेंट है अभी तक उसके तौर पर हम देख रहे हैं। तो ईशान किशन का खेलना बहुत जरूरी था, वो खेले हैं, अच्छी बात है। तीसरा श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर को बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जितनी भी गेंदे खेली एक कॉन्फिडेंस उसमें दिखा, और जिस तरह के शॉट्स उन्होंने लगाए श्रेयस अय्यर ने वो कॉन्फिडेंट दिखे हैं। तो ये तीन बल्लेबाज जिनका फॉर्म में होना बहुत ज्यादा जरूरी था, आज वो तीनों फॉर्म में लौटे हैं। और देखिए क्रिकेट में अब कई लोग कहेंगे कि यार अफगानिस्तान कमजोर टीम के खिलाफ आप खेले तो क्या ऐसा हुआ, कमजोर और मुश्किल कुछ नहीं होता है, मैच मैच होता है, जीत जीत होती है। और अफगानिस्तान के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया और फॉर्म में वापसी की हमारे इन तीनों बल्लेबाजों ने, इस चीज को लेकर बहुत सुखद रहा। और विराट कोहली, इनका जिक्र मुझे स्पेशली करना होगा क्योंकि इन अ रो विराट कोहली ने दूसरे मैच में बहुत शानदार पारी खेली है, और मैं कहूंगा जिस पारी को जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विराम दिया था वहीं से आज विराट कोहली ने पारी खेली है, जिस गियर में वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दिखे उस गियर को और बढ़ाया है, बल्कि आज तो टॉप गियर में विराट कोहली दिखे, और जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की है और कैसे चौका लगा के भारत को जीत दिलाई है, आउटस्टैंडिंग। पहले मैच में 85 उन्होंने स्कोर किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें सेंचुरी से वो चूक गए थे, यहाँ पर 55 नॉट आउट गए हैं विराट कोहली। और अब जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है मैं लिटरली कहूँ बहुत बहुत शानदार, और अब ये लग रहा है मुझे कॉन्फिडेंस होता जा रहा है जिस तरीके की परफॉर्मेंस ओवरऑल देखने को मिल रही है, चाहे वो गेंदबाजी में हो चाहे वो बैटिंग में हो, कि एक वो टीम मुझे लग रहा है अब वो नजर आ रही है, वो परफॉर्म कर रही है उस तरीके से जिसको हम कहेंगे कि हाँ ये वर्ल्ड चैंपियन टीम है, और ये वो टीम है जिसमें दम है इस बार की विश्व कप ट्रॉफी को उठाने का। तो आप ये देखिए टॉप ऑर्डर फेल होता है तो मिडिल चलता है, मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा है तो टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, यही होता है, कहते हैं ना कि एक एक एक, एक होलिस्टिक अप्रोच, एक समग्र अप्रोच जो दिख रही है और वो साफ तौर पर नजर आती है, और हर अप्रोच एक ही पॉइंट पर जाकर एंड होती है और वो है जीत। आज दूसरी जीत हमको मिली है, ये वेलकम विक्ट्री है, बहुत शानदार पारी। नहीं नहीं आप जिस तरह से दिल आपका बाग बाग हुआ जा रहा है, मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पर तो मुस्कान आ रही है, और आप पहले भी ये कह रहे थे कि ये जो मैच है ये आपको पाकिस्तान के साथ मुकाबला होने वाला है उसके लिए पाकिस्तान को एक पैगाम दे दिया है क्रिकेटरों ने बल्लेबाजों ने कि हम तैयार हैं, हम आ रहे हैं, हम धोएंगे, हम पीटेंगे, हम पछाड़ेंगे। तो क्या ये जो बैटिंग का आपने देखा आज का जो ये
पाकिस्तान के लोग क्रिकेट वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, देखिए जहां तक रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात की जाए तो पाकिस्तानी गेंदबाज खौफ खाते हैं इन दोनों बल्लेबाजों से, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के मैच से पहले ही बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस हो गया। देखिए हमने दो परिस्थितियों में खुद को तापा है, एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन वो पिच बहुत टफ थी बैटिंग के लिए। उस टफ पिच पर जिस पर गेंदबाजों का बोलबाला हो रहा था, 199 के स्कोर को आपको चेज करने के लिए बहुत मुश्किलें वहां पर हुई, उस टफ पिच पर विराट कोहली ने परफॉर्म किया, उस टफ पिच पर केएल राहुल ने परफॉर्म किया। राहुल सेंचुरी से चूक गए थे, 97 पर वो नॉट आउट गए थे। तो ये हमारे मिडिल ऑर्डर का टेस्ट था, वो हम उसमें पूरी तरीके से निकले। और आज अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमारा टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फॉर्म में दिखा। देखिए रोहित शर्मा हो गए, ईशान किशन हो गए, इन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। विराट कोहली की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी दिखी, आज फिर से उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया। तो देखिए मैं कहूंगा बैटिंग के लिहाज से, बल्लेबाजी के लिहाज से भारतीय टीम में बहुत डेप्थ है। पर अभी आप देखिए कि अभी तो विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे थे, इसके बाद केएल राहुल थे आपके बेंच स्ट्रेंथ जो अंदर बढ़ा रहे थे, अंदर केएल राहुल मौजूद थे, आपके पास रविंद्र जडेजा मौजूद थे, आपके पास शार्दुल ठाकुर मौजूद थे, आपके पास जो पांड्या हैं वो मौजूद थे, और आपके नीचे तक के बल्लेबाज जो हैं, जो गेंदबाज हैं, वो बैटिंग करने की ताकत रखते हैं। तो बहुत डेप्थ है भारत की बल्लेबाजी में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करूं मैं गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में एक बार फिर से हमने हमारे बॉलर्स ने दिखाया है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हमारे गेंदबाजों ने दिखाया था कि क्या किस माइंडसेट के साथ वो लोग वर्ल्ड कप खेलने के लिए मैदान पर उतरे हैं। देखिए एक चीज का एडवांटेज रहेगा आपको कि आप अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, लेकिन वही एडवांटेज पाकिस्तान के साथ भी रहेगा, क्योंकि एशियन सब कॉन्टिनेंट की पिचेस जो है, जिसमें श्रीलंका है, इंडिया है और पाकिस्तान है, वो लगभग लगभग एक जैसा बिहेव करती है एशियन सब कॉन्टिनेंट की पिच। उनके पास अच्छे तेज गेंदबाज हैं, उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं, तो और वो पिच का मिजाज भी समझते हैं। और एक चीज मैं आपको रोकता हूँ, आज अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है और एक समझिए क्रिकेट टीम ने उनको गिफ्ट दिया है, और कहा जा रहा है कि गुजरात में जब मैच होगा तो अमिताभ बच्चन पवेलियन में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भाई और बड़ी हस्तियां हैं जो पाकिस्तान के साथ मुकाबले में मैदान में आपको नजर आएंगी, जिसमें आपका निगाह का नाम है, जिसमें आप सचिन तेंदुलकर को बहुत बेतहाशी से इंतजार कर रहे हैं, और कहा जा रहा है सलमान खान वहां पहुंचे भी। तो ये तो एक सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ऑप्शन एकदम मनी से पहले जो दर्शन नहीं हुआ था, लाइव परफॉर्मेंस वहां होने वाली है, तो ये सब पूरा रोमांच देखिए आप एक चीज समझ लीजिए कि पूरे वर्ल्ड कप में 48 मैच होने, 48 मैचेस, 47 मैच का रोमांच एक तरफ, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला है 14 तारीख को अहमदाबाद में, वो रोमांच एक तरफ है। और ये रोमांच सिर्फ यहाँ नहीं कि हिंदुस्तान के लोगों के बीच है, आपके और हमारे बीच है, ये रोमांच पाकिस्तान के लोगों के बीच में भी है, ये रोमांच उन पाकिस्तानियों में भी है जो पाकिस्तान में ना रहकर दुबई में रह रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं। लव खानी की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले दिनों आपने देखा, आपने बात भी की थी लव खानी की, बड़ी कोशिश वो कर रही है कि भाई मुझे टिकट मिल जाए, किसी तरीके से वीजा मिल जाए, वीजा उनको नहीं मिल पा रहा है। तो सिर्फ एक लव खानी नहीं है, आपके साथ बराबर वो रहते हैं आशीष, क्या आशीष को आपने लिंक भेजा कि नहीं आज लाइव के लिए? आशीष आज थोड़ा सा घर पे है, तो मुझे लगा कि उनको आराम करने देना चाहिए आशीष को, और लेकिन वो जब पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच होगा वो तब यहाँ पर जरूर मौजूद रहेंगे हमारे साथ बातचीत करने के, और लव खानी भी रहेंगे आपके साथ। हाँ लव खानी रहेगी, इसको भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो भी है। अब सीमा हैदर देखते हैं किसको चीयर करेंगे उस दिन, हालांकि वो कहती रही है कि मैं हिंदुस्तान को चीयर करती हूँ, लास्ट में जो मैच खेला था भारत और पाकिस्तान के बीच में उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैंने हिंदुस्तान को ही चीयर किया है, तो उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुस्तान को ही इस बार चीयर करें और दिल से चीयर करें। और वैसे भी वर्ल्ड कप में अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड कप में जो एक आंकड़े रहे हैं, देखिए अभी तक जो हम बात करेंगे हम पिछले आंकड़ों पर बात करेंगे, वर्ल्ड कप के आंकड़े ये कहते हैं कि भारत हमेशा विश्व कप में पाकिस्तान पर 21 फुटा है, पाकिस्तान पर भारी रहा है। वर्ल्ड कप में खेला गया एक एक मैच भारत ने अगेंस्ट पाकिस्तान जीता है, तो ये जो फिगर्स है ये आपके फेवर में है, लेकिन फिगर्स से आप मैच नहीं जीत सकते। और क्योंकि देखिए अभी जो लास्ट मैच अभी पाकिस्तान ने खेला कल अगेंस्ट श्रीलंका,
बहुत आउटस्टैंडिंग वो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही उसमें। जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा मुझे लगता है कि उसकी तारीफ करने में पशुपति जी कोई भी कोताही या कोई भी कमी नहीं बरतनी चाहिए। कल जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है मुझे एक वक्त को थ्रेट लग रहा था, मैंने कहा बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। और ऐसा भी नहीं था कि कुछ छोटा मोटा लक्ष्य हो आपको 100 150 200 रन बनाने हो। 344 श्रीलंका ने स्कोर किया था और उस 344 को उन्होंने पार कर लिया, और वो भी तब जब आपके दो विकेट शुरुआती जो दो सलामी बल्लेबाज है वो जल्दी आउट होकर चले गए थे। लेकिन जो पाकिस्तान के दो बल्लेबाज हैं उन्होंने कमाल कर दिया। रिजवान ने 131 रन बनाए और जो जो उनके साथी बल्लेबाज है अब्दुल्ला उन्होंने 113 रन का योगदान दिया। तो उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की, बड़ी शानदार पार्टनरशिप की। और ये जो कल मैच जीता पाकिस्तान ने, ये हिस्ट्री है अपने आप में, एक रिकॉर्ड है अपने आप में कि आज तक 344-345 का टारगेट किसी भी टीम ने वर्ल्ड कप में नहीं हासिल उसको किया था। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है 328 का शायद टारगेट रहा था, जो मैक्सिमम जो इंडिया जो आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच मैच खेला गया था उसमें अचीव किया था ये इसको इंग्लैंड ने। उसके बाद ऐसा नहीं हो पाया, इससे ऊपर कोई टारगेट अचीव नहीं कर पाया, लेकिन कल पाकिस्तान ने वो किया। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी क्रिकेट होगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान भी फॉर्म में है, उसके उसके गेंदबाज फॉर्म में है, उसके बल्लेबाज फॉर्म में है, हमारे गेंदबाज फॉर्म में है, हमारे बल्लेबाज फॉर्म में है। और देखिए मैच का मजा तभी आता है जब मैदान पर एक रोमांचक भिड़ंत हो, एक रोमांचक टक्कर हो, जैसा कि हमने हमें कल के मैच में देखने को मिला। आप मैं ये कहूंगा कि हम लोग तो इस तरह के सट्टे के लाभ हैं, लेकिन आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि 14 किसके बल्ले से सबसे तक आया है? देखिए मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि एक नहीं कई सारे शतक निकले, क्योंकि अभी इस वर्ल्ड कप की अगर मैं परिपाटी की बात करूं, मैं सबसे पहले मैच से अगर मैं शुरुआत कर दूं तो सबसे पहले मैच में देखिए न्यूजीलैंड की तरफ से दो शानदार शतक आए, इंग्लैंड की तरफ से एक एक सेंचुरी आई। फिर उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का जो मैच था उसमें देखा कि एक ही पारी में साउथ अफ्रीका के तीन बल्लेबाजों ने सेंचुरी लगाई। कल ही के मैच की अगर मैं बात करूं, कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला हुआ था, उसमें चार सेंचुरीज देखने को मिली, दो पाकिस्तान की तरफ से दो श्रीलंका की तरफ से सेंचुरी देखने को मिली। और जो लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो खेला था इंडिया ने, उसमें हमारे दो बल्लेबाज ऐसे थे जो सेंचुरी के करीब पहुंचे, विराट आउट हो गए थे, लेकिन तीन रन से आपको याद होगा कि सेंचुरी से चूक गए थे केएल राहुल, नॉट आउट रहे थे लेकिन क्योंकि रन खत्म हो गए थे तो इसलिए उनको वापस पवेलियन लौटना पड़ा। तो मैं तो चाहूंगा कि देखिए सेंचुरी केएल राहुल भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरह इस पूरी फॉर्म में इस वक्त केएल राहुल यहां पर नजर आ रहे हैं। विराट कोहली रनों की भूख इनकी हम देख रहे हैं, उनकी बढ़ती जा रही है, रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड वो कायम कर रहे हैं। आज भी कुछ रिकॉर्ड विराट कोहली ने अपने नाम किए हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड, जिसमें T20 चैंपियनशिप और जो वनडे वर्ल्ड कप है वो दोनों शामिल हैं। रोहित शर्मा, आज रोहित शर्मा वर्ल्ड क्रिकेट के सिक्सर किंग बन गए। क्रिस गेल के नाम ये रिकॉर्ड था लेकिन 553 छक्के लगाने का, लेकिन इसको रोहित शर्मा ने ओवरकम कर लिया, इसको पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल गए रोहित शर्मा। और अब तो क्रिस गेल देखिए एक्टिव भी है भी नहीं क्रिकेट में, तो इस रिकॉर्ड तक पहुंच पाना मुझे लगता है कि बहुत किसी के लिए मुश्किल होगा। जिस अंदाज में आज रोहित शर्मा ने बैटिंग की, आतिशी अंदाज में 63 गेंदों में उन्होंने सेंचुरी रोहित शर्मा ने आज स्कोर की, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है किसी भी भारतीय द्वारा विश्व कप में लगाया गया, ये सबसे तेज शतक सबसे तेज सेंचुरी रोहित शर्मा की है। रोहित शर्मा ने एक और रिकॉर्ड आज बनाया है, किसी भी भारतीय की तरफ से किसी भी कोई भी खिलाड़ी जिसने विश्व कप में सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाई है, रोहित शर्मा ने 19 मैचों में ये सातवां शतक है रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप में। ये रिकॉर्ड इससे पहले सचिन तेंदुलकर के नाम था जिनका 42 मैचों में 6 शतकों का रिकॉर्ड था, इसको भी पीछे छोड़ते हुए अब रोहित शर्मा ने सिर्फ 19 मैचों में 7 शतकों का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में बना लिया। तो जब इतने सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं, सेंचुरीज पे सेंचुरीज लग रही है, तो मैं क्यों एक खिलाड़ी का नाम लूं, मैं तो कहता हूं रोहित शर्मा भी सेंचुरी बनाए, विराट कोहली भी सेंचुरी बनाएंगे, केएल राहुल भी सेंचुरी बनाएंगे। और जिस तरीके से टीम हमारी परफॉर्म कर रही है, हमारा जो टॉप ऑर्डर है, ओपनिंग ऑर्डर जो है, उसमें मादा है कि वो हमको एक बड़ा ओपनिंग स्टैंड दे। शुभमन गिल अगर इस पार्टी को ज्वाइन कर पाते तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती, हालांकि अभी फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि अभी अस्पताल से तो उनको रिलीज मिल गया है, लेकिन वो फिलहाल होटल में आराम कर रहे हैं और पाकिस्तान के मैच तक फिट होंगे थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। लेकिन ये भी जो टीम है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना नहीं चाहिए। आप बहुत फॉर्म में शतक मार रहे हैं, आप बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं और आपको सुनना बड़ा सुखद है मेरे लिए, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अहमदाबाद में बहुत अच्छा इंतजाम है,
ग्यारह साल के बाद पाकिस्तान की टीम आई है, वहाँ एक अलग तरह का रोमांच है। और मुझे लगता है कि जो नया स्टेडियम बना रहा है साथ ही पाकिस्तान का पहला मुकाबला भी होना था। और ये एक बात गन्ना करते हैं वो शनिवार का है, तो क्या पाकिस्तान की टीम पर भारी पड़ेगा? देखिए बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक रोमांचक मुकाबला होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि एक तरफा कोई मैच ना हो, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैचेस का रोमांच वैसे भी बहुत चरम पर होता है, और इसलिए इस बार रोमांच तो और ज्यादा मजेदार इसलिए होगा क्योंकि आप समझिए कि जो मोटेरा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का जहां पर मैच होने वाला है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम, 1,35,000 दर्शकों के बैठने की जगह उसमें है। अब आप सोचिए जब 1,35,000 दर्शकों से भरा हुआ वो, और ये मैं श्योर हूं कि वो स्टेडियम पूरा भरा होगा, टिकट है नहीं वहां पर मार्केट में, आप पता कर लीजिए, ना टिकट है ना वहां पर होटलों में कमरे हैं, और अब से नहीं दो दो महीने पहले से लोगों ने वहां पर बुकिंग कराई हुई है कि भाई हमको इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है वहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेडियम में वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच हमको देखना है, इसलिए दो दो महीने पहले लोगों ने बुकिंग कराई हुई है। आप ये समझिए, हमको तो रिपोर्ट वहां से मिली है, आपको इस बात की जानकारी होगी कि जो रूम 2,500-3,000 रुपए पर डे का रेट था वो लाख लाख रुपए में बुकिंग हुई है उनकी। आशीष ने कई लोगों का पास बनवाया सुना, कोशिश की। अब पास को लेकर तो देखिए पिछले दिनों चीजें बहुत सारी क्लियर कर दी गई थी, और वैसे भी जैसा कि आपने कह दिया कि ये बहुत हाई सिक्योरिटी मैच होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अहमदाबाद में है, भीड़ बहुत ज्यादा वहां पर होगी, इसी को लेकर एक बार इस तरह के इंटेल भी सामने आए थे, इनपुट भी सामने आए थे कि गुजरात की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने कहा था कि भाई इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी, नवरात्र का ये सीजन चल रहा है, ये मौका है इस वक्त, तो देश दुनिया से लोग भी वहां पर आएंगे, और जो जो नवरात्र का पर्व है वो गुजरात में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और पहले से बहुत पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो इस मैच को रिप्लेस कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए इस मैच को, और 14 की बजाय 15 तारीख को कर दिया जाए, 15 तारीख को जो मैच दिल्ली में होने वाला है उसको चेंज करके यहाँ 14 तारीख में कर दिया जाए, ये अपील की गई थी। हालांकि इसके बाद फिर सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा रिवाइज किया गया, बहुत चेंजेस वहां पर किए गए, और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि मैच निर्विघ्न संपन्न हो। गणेश जी की पूरी कृपा रहेगी मैच पे, शनि महाराज की भी रहेगी, गणेश जी की भी पूरी कृपा रहेगी, और उसके बाद जो है फिर बाकी हमारे विराट, रोहित, केएल राहुल, बुमराह, ये अपनी 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 कलाओं से जो है वो मैच को इस कदर बांधेंगे, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की इस तरह से पुलिंदा बांधेंगे कि मैच देखिएगा झोली में आकर हिंदुस्तान की गिरेगा। मैं तो आपसे दो बातें समझना चाह रहा हूँ कि एनपीसी ने सीमा के लिए क्या स्थिति की है परसों 14 तारीख के लिए, और पटाखे, लड्डू, रबूरा में कितने बनाए जा रहे हैं, और नवरात्र से पहले सीमा नगर का भर्ती तैयार होने वाला है, तो क्रिकेट का भी रोमांच रहेगा, और क्योंकि आप लगातार सीमा नगर वाली खबर भी कवर करते हैं, तो ये दोनों मैच मुकाबले और एनपीसी के स्थिति क्या कह रही है? देखिए एपी सिंह अब क्या स्क्रिप्ट लिखते हैं और सीमा किस तरीके से एक्ट करती है उसमें, क्योंकि मुझे तो ज्यादातर वो एक्ट करती हुई दिखती है स्क्रिप्ट में, वो खुद ही कहते हैं कि भाई मेरी सारी स्क्रिप्ट जो है एपी सिंह लिखते हैं, एपी सिंह सर बताते हैं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, चाहे फिर वो पूजा करने की बात हो, जन्माष्टमी की बात हो, 15 अगस्त की बात हो, हर मौके पर हमने एक्ट करते हुए सीमा को देखा है। लेकिन सीमा से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, लोगों को इस बात का हार्डली कोई फर्क पड़ता है कि सीमा क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम क्या सोचते हैं इस मैच को लेकर, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन हमारी टीम से है, पूरा देश किस तरीके से उत्साहित है, अहमदाबाद के लोगों में किस तरीके का उत्साह है, मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस मैच में टीम इंडिया को जीत मिले। और अब सब आप देखिएगा, अब इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो अब दुआओं का दौर शुरू होगा, जबरदस्त तरीके से दुआओं का दौर शुरू होगा, और उस मैच का जो रोमांच है फिर वो बिल्कुल कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल, वो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा उस मैच के रोमांच को। आप यकीन मानिए बहुत दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, और जैसा कि आपने इन्फॉर्मेशन दे ही दी कि बड़े बड़े सितारे आ रहे हैं इस मैच को देखने को, होता है जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ऐसा होता है, बड़े बड़े सितारे, बॉलीवुड के जो सितारे हैं, अलग अलग फील्ड के जो स्टार्स हैं, अपना सारा काम धाम छोड़ के आ जाते हैं स्टेडियम में मैच देखने के लिए, क्योंकि उनका मकसद होता है कि इंडिया को चीयर करना है, हमको हिप्पी भुर्रे के नारे लगाने हैं, इंडिया इंडिया के नारे हमको लगाने हैं,
वही जो होटिंग है देखने को मिलेगी। और ये जो मौका है ना, ये मौका किस लिए खास है, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, ये इसलिए खास है मौका क्योंकि लंबे वक्त के बाद पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान आई है और हिंदुस्तान में पाकिस्तान और इंडिया की टीमें आपस में भिड़ रही, तो इसका एक रोमांच ही अलग है जो क्रिकेट प्रेमी है उनके मन में। और उनको ये भी लग रहा होगा कि पता नहीं यार फिर इसके बाद कब ऐसा होगा, कब नहीं होगा, तो उसका एक रोमांच जो है वो पूरी तरीके से जो है वो भारत के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके मन में होगा। और आज आज ट्रेलर दिखा दिया है, चाहे वो हमारे बॉलर्स हों चाहे वो हमारे बल्लेबाज हों, उन्होंने ट्रेलर दिखा दिया है कि भाई किस रणनीति के साथ वो पाकिस्तान के खिलाफ उतरने वाले हैं और क्या वो मैदान पर करने वाले हैं। बॉलिंग हमारा बिल्कुल शानदार बॉलिंग रही। देखिए जो दिल्ली का जो जो ग्राउंड है जहां पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यार देखिए अफगानिस्तान जैसी टीम ने 272 स्कोर कर दिया, लेकिन ये चीज हमको ध्यान रखनी होगी कि वही मैच, ये वही ग्राउंड है जहां पर साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच मैच खेला गया था। साउथ अफ्रीका ने 428 रन स्कोर किए थे और श्रीलंका ने पीछा करते हुए 326 रन बना दिए थे। तो ये वही ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है, 65-67 मीटर की इसमें बाउंड्री है, आप 67 मीटर में इसमें 65 मीटर में छक्का हो जा रहा है। तो ये वो इस चीज को भी हमको याद रखना होगा कि आपको बॉल को फॉलो करने का मौका आपको नहीं है, ये ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है कि कोई अगर आप थोड़ा सा भी गैप में अगर आप खेलेंगे तो आप पीछा करके बॉल को पकड़ लेंगे। आप देखिए पूरा मैच आज देखेंगे तो कोई भी हार्डली कोई ऐसा आपको शॉट दिखा होगा जिसमें ग्राउंड शॉट खेलने के बाद या गैप में शॉट खेलने के बाद कोई फील्डर पीछे से दौड़कर बॉल रोक पाए। तो छोटा ग्राउंड है ये, इसीलिए अफगानिस्तान की टीम 272 स्कोर करने में कामयाब रही। एक जरूर मैं कहूंगा, थोड़ा सा आज मुझे सिराज को देखकर जरूर निराशा हुई, हालांकि एक मैच से हम किसी को जज नहीं कर सकते और सिराज की काबिलियत को तो बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते क्योंकि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, बहुत अच्छे इकोनॉमिकल बॉलिंग की थी और उनके कंधे पर हमेशा एक भार रहता है क्योंकि वो ओपन करते हैं बॉलिंग की तरफ से। भारत में जो ओपनिंग पेयर है भारत का उसमें सिराज शामिल है, वो बहुत शानदार ओपनिंग करते हैं बुमराह के साथ। आज थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव हुए, मैंने देखा थोड़ा सा उनको संघर्ष करते हुए अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के आगे, लेकिन कहते हैं कि एक 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 खराब दिन शायद ये सिराज के लिए रहा होगा। रन्स भी उन्होंने दिए, विकेट भी सिराज को नहीं मिला, लेकिन मैं किसी भी तरह से उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। वो पाकिस्तान के अगेंस्ट 100% टीम में होंगे, वो खेलेंगे। एक सवाल रोहित जी आपसे मैं करना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि अगर भारतीय गेंदबाज थोड़ी सटीक गेंदबाजी करते तो ये स्कोर और कम होना चाहिए था, 200 के नीचे रहना चाहिए था, क्या दर्शकों के लिहाज से ठीक था कि बैटिंग का वो आनंद आ रहा था, लेकिन क्या ये स्कोर और कम रहना चाहिए? देखिए ऐसा कह सकते हैं हम, और लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पिछले कुछ मैचेस को अगर आप देखें, ये पहली बात तो ये कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं है, ये चीज मैं आपको बता दूं कि ये चौथा ही मैच था भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे क्रिकेट में, ये चौथा मैच था जो आज खेला गया और पहली बार अफगानिस्तान की टीम ने अगेंस्ट इंडिया में मैच खेला है। तो इंडिया और अफगानिस्तान का पहला मैच था, इससे पहले 3 मैच हुए दोनों के बीच में, जिसमें जो रिकॉर्ड है वो पहला मैच 2014 में खेला गया था जिसको भारत ने जीता था, दूसरा मैच 2018 में खेला गया था, ये मैच टाई हो गया था, और तीसरा मैच जो था 2019 में खेला गया था मार्च में, वो लास्ट वर्ल्ड कप में खेला गया था 2019 में, तो उसमें संघर्ष करना पड़ा था भारत, 224 रन बना पाई थी भारत की टीम अगेंस्ट अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो ठीक ठाक है। आज हालांकि बॉलिंग अटैक की परतें उघड़ गई, लेकिन उनके जो मेन स्ट्राइक बॉलर हैं राशिद खान, वो आज भी पूरी तरह से प्रभावी दिखे, हालांकि बाकी जो उनकी पेस बैटरी है वो इतना आज इफेक्टिव साबित नहीं हुई, और बल्कि मैं कहूंगा रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से उनको छितरा के रख दिया। लेकिन जो 2019 में मैच खेला गया था अगेंस्ट अफगानिस्तान, उस मुकाबले में भी अफगानिस्तान को हमने 225 रनों का टारगेट दिया था और अफगानिस्तान 213 रन बनाने में कामयाब रही थी, तो बहुत मार्जिनल वो विक्ट्री थी, सिर्फ 11 रन से हमने 2019 में वो मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान जीता था। तो अफगानिस्तान को बहुत कमजोर मानकर टीम इंडिया उतरी होगी, मुझे नहीं लगता, वो पूरी तैयारी के साथ उतरे और हमारा भी माइंडसेट था क्योंकि हम लोग देखते हैं क्रिकेट को, कवर करते हैं, पिछली सारी चीजों को भी माइंड में रखते हैं, तो मैं भी इस चीज को लेकर बिल्कुल ऐसा नहीं था कि भाई अफगानिस्तान कोई बच्चा है वर्ल्ड क्रिकेट में, उनके पास अच्छे बल्लेबाज हैं, उनके पास गेंदबाज हैं, आज दिखाया भी अफगानिस्तान के 2 बल्लेबाजों ने, जब 2 विकेट उनके फटाफट गिर गए थे तो दोनों बल्लेबाजों के बीच में 160 रनों से ज्यादा की पार्टनरशिप, 121 रनों की पार्टनरशिप
दो बल्लेबाजों के बीच में हुई है, एक ने 80 स्कोर किया, एक अराउंड 70 दूसरे बल्लेबाज ने स्कोर किया। खुद कैप्टन जो थे उनके वो 80 रन बनाकर आउट हुए थे और वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे अगर वो कुछ देर और क्रीज पर टिक जाते तो मुझे लग रहा है कि आप 200 से नीचे की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 300 प्लस ये स्कोर जाता। मैं कमेंटेटर्स को सुन रहा था जब कमेंट्री हो रही थी, जब जो अफगानिस्तान के कैप्टन है वो बैटिंग कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि यार इतनी अच्छी बैटिंग चल रही है, इतना अच्छा फ्लो है और वो समझ चुके हैं गेंदबाजी को, तो ये 300 प्लस स्कोर जा सकता है। अगर वो होते क्रीज पर तो ये 300 प्लस के पार स्कोर जाता। लेकिन ठीक है, दूसरी टीम भी है, खेलने आई है, मैं कभी भी किसी दूसरी टीम को कम करके नहीं आता हूँ। अफगानिस्तान की टीम को काफी टाइम हो गया क्रिकेट खेलते हुए और कई चौंकाने वाले परिणाम भी दिए हैं अफगानिस्तान की टीम ने, लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल ये रहा कि हाँ ठीक है, अफगानिस्तान ने क्रिकेट खेला अच्छा, उन्होंने बैटिंग की, लेकिन जो 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 बेस्ट होता है उसको जीत मिलती है और क्रिकेट के हर डिपार्टमेंट में आज भारत की टीम बेस्ट साबित हुई, भारत के गेंदबाज, भारत के बल्लेबाज, और फाइनली जो जीत है वो हमारी झोली में आकर गिरी। हाँ रोहित जी, अब हम अपनी बातचीत को आखिरी काम पर ले जा रहे हैं, आप एक चीज बताइए वो क्या मिस करने जा रहे हैं। देखिए, शुभमन गिल को लेकर पशुपति जी अब तक जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि कल तक वो हॉस्पिटल में थे लेकिन उनको अब हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। चेन्नई के हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, वहां पर बीसीसीआई के डॉक्टर्स की निगरानी में उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, उनको डेंगू हुआ था ये क्लियर था। अब वो अस्पताल से आ गए हैं क्योंकि कल तक ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी नौबत आए कि उनको प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़े, लेकिन अब वो आज वापस आ गए हैं, लेकिन होटल में अभी वो कहा जा रहा आराम करेंगे। हम जानते हैं कि आजकल वायरल फीवर वगैरह काफी चल रहा है और नॉर्मल वायरल में भी अगर कोई शख्स 3-4-5 दिन रह जाता है तो पर्याप्त शरीर में कमजोरी हो जाती है, पर क्रिकेट खेलने के लिए आपको 50 ओवर नहीं, आपको आप समझिए कि 100 ओवर आपको करना पड़ता है। 50 ओवर आप फील्डिंग करते हैं पर उसके बाद जो है आप बल्लेबाजी करने होते हैं। शुभमन गिल तो वैसे भी ओपनर बैट्समैन है तो ऐसे में वो पूरी तरीके से फिट होंगे तभी वो मैदान पर वापस लौटेंगे और मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट अवेलेबल होंगे क्योंकि कल तक जो भारत का क्रिकेट प्रशासन है बीसीसीआई है उसके सूत्रों से खबर ये थी कि वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अगर शुभमन गिल ठीक नहीं होते हैं या उनको रिकवरी में टाइम लगता है तो फिर उनका विकल्प तलाशा जाए और विकल्प के तौर पर संजू सैमसन का नाम सामने चल रहा था कि अगर शुभमन गिल थर्ड मैच तक भी फिट नहीं होते हैं यानी कि अगेंस्ट पाकिस्तान जो मैच होना है उसमें वो फिट नहीं होते हैं उसके लिए भी तो फिर संजू सैमसन के नाम पर विचार किया जाए और उनको फौरन यहां से बुलाया जाए क्योंकि नेक टू नेक आप नहीं खेल सकते, आपको एक आध स्पेशलिस्ट बल्लेबाज और चाहिए। शुभमन गिल का क्या क्लास है, किस तरीके से बैटिंग उन्होंने की, अगर चाहे वो एशिया कप में हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, हमने देखा 5 सेंचुरीज वो इस साल अब तक लगा चुके हैं अभी तक के इस कैलेंडर ईयर में, तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उनकी मौजूदगी, लेकिन अब चूंकि वो बीमारी की वजह से मौजूद नहीं हो पा रहे हैं, ये भी एक हार्ड लक मैं उनको कहूंगा कि पहला विश्व कप उनका शुभमन गिल का था लेकिन पहले मैच में वो नहीं खेल पाए और इतनी अच्छे फॉर्म में होने के बावजूद वो टीम के साथ नहीं, तो इसको शुभमन गिल भी मिस कर रहे होंगे और उनको लग रहा होगा कि यार देखिए मैं कितने अच्छे फॉर्म में हूँ, 5 सेंचुरीज मैंने लगाई हैं और इस वर्ल्ड कप में अगर वो 1-2 सेंचुरीज लगाते तो उनका कॉन्फिडेंस कहां तक बूस्ट होता और टीम इंडिया को कितना फायदा मिलता उनका। लेकिन ठीक है, अब ये थर्ड मैच के बाद वो तय हो पाएगा पशुपति जी कि शुभमन गिल टीम के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे या फिर संजू सैमसन उनको रिप्लेस करेंगे, लेकिन तीसरे मैच में खेलेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान इस बात की संभावना अभी बहुत कम दिख रही है क्योंकि 14 तारीख को मैच है, आज ऑलरेडी 11 तारीख हो चुकी है, 2 दिन बचे हैं और इस बीच प्रैक्टिस भी करनी होगी और उनको एक फिटनेस टेस्ट से भी गुजरना होगा, तो मुझे लग रहा है कि अभी चांसेस कम है पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने के। रोहित जी, आपसे ये क्रिकेट पर लगातार बातचीत जारी रहेगी, कल हम और कुछ फैक्ट्स के साथ जुड़ेंगे और रोहित जी आपको क्रिकेट की एक एक गेंद, एक एक बॉल, एक एक रन, उसकी बारीकियां समझाएंगे और हम जैसे लोग समझेंगे और देखेंगे। थैंक यू, आप देख रही है इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, देख रही है वर्ल्ड कप स्पेशल विद रोहित पुनेटा। नमस्कार।